अब बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के मंदिर दर्शन पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कभी राम मंदिर जा रहे हैं तो कभी माई पीताम्बरा पीठ के दर्शन कर रहे हैं। राहुल गुरुद्वारे भी गए। राहुल के इस मंदिर भ्रमण पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित टिप्पणी की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये रामणी मानसिकता है कि प्रजातंत्र की सीता का हरण करने के लिए हम गले में दुपट्टा डाल लें, जनेऊ पहन लें और तिलक लगा लें। हमने देखा है कि रावण साधु के वेष में सीता का हरण करने गया। ये रावणी मानसिकता है कि प्रजातंत्र की सीता को हम हरण करने के लिए गले में दुपट्टा डाल लें, जनेऊ पहन लें, तिलक लगा लें। तो जनता समझती है भाई, इस रावणी प्रवृत्ति के साथ जनता कभी भी नहीं जा सकती। संस्कार इनका क्या है साबित होता है। हम क्यों बात करें इनके बारे में, इनका संस्कार बोलता है। नहीं, धार्मिक धर्म चिन्हों को लेकर के मैं राजनीति करने का पक्षधर नहीं, और किसी भी पार्टी को रामायण या महाभारत के नायक या खलनायकों से किसी व्यक्ति की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब ये खबर समझिए कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है। तो जानने वाली बात ये है, राहुल मंदिरों का दौरा करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। कई सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे हैं।